शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम्हारे लिए ऐसी लड़की ढूंढ के लाया हूँ कि देखते ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये देखो उसकी फोटो। क्यों है ना माल? हाँ साले, ये लड़की ढूंढ के लाया मेरे लिए। ये लड़की ऐसे वैसे घराने की लड़की नहीं, वो बहुत उच्च खानदान की है। चल हट पागल, हमारे राजा का शादी किसी ऐसा वैसा लड़की से नहीं बल्कि किसी रानी से होगी। हाँ सच कहा काकी, भगवान ने मेरे लिए रानी तो बनाई है लेकिन न जाने अब वो कहाँ होगी। देखा नहीं चलते साहब के सारे कपड़े खराब कर दिए। गुस्सा नहीं करते भैया, गुस्सा नहीं करते, गरीब आदमी है, गलती हो जाती है। जाओ बेटे जाओ अपना काम करो, जाओ 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 जाओ। सॉरी सर, गुस्सा नहीं करते। कमाल का आदमी है, उसके पूरे कपड़े खराब हो गए लेकिन माथे पर शिकन तक नहीं आई। कौन है ये बंदा? अरे देवता पुरुष है, गुस्सा क्या होता है इन्हें अभी तक मालूम ही नहीं। बापू का दूसरा रूप है, लोग इन्हें शांतिपति कहकर बुलाते हैं। इसकी शांति तो मैं दो मिनट में भंग कर सकती हूँ। रहने दो मधु, तुम सर पटक के मर जाओगी ना तो भी इसे गुस्सा नहीं आएगा। तो लगी शर्त, मैं बिना कुछ बुरा भला कहे इसकी वो हालत कर दूंगी कि अपने कपड़े फाड़ कर पागलों की तरह चिल्लाने लगेगा और यही मैनेजर इसे पागलखाने भिजवा देगा। इट्स इम्पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। अगर मैं ये कर दूं तो तुम अपना जूता अपने सर पे मारोगी। डन डन ओके। शांति पति भगवान की देन है। क्या है कि क्रोध को मैं बहुत दूर रखता हूँ अपने से। नमस्ते जी। नमस्ते सर, मुझे आपसे दो मिनट जरूरी बात करनी है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जी तशरीफ रखिए। ओह थैंक यू थैंक यू। जी बताइए बात क्या है? जी बात यह है कि पहले आप वादा कीजिए आप गुस्सा नहीं होंगे। भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा, आप बात बताइए। मैं बात तो बता देती लेकिन मुझे डर है कि आपको गुस्सा आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आप तो खामखा डर रही हैं, मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं, निसंकोच होकर बताइए। ठीक है, बात यह है कि नहीं जाने दीजिए, आपको गुस्सा आ जाएगा। देखिए बहन, मैं आपको बता चुका हूँ मुझे गुस्सा नहीं आता, आप अपनी बात मुझे बताइए। देखिए देखिए, आपको थोड़ा गुस्सा तो आ रहा है। मुझे गुस्सा नहीं आता बहन, आप प्लीज बताइए आपकी बात क्या है। आप झूठ बोल रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है। देखिए भगवान कसम मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, प्लीज मेहरबानी करके आप अपनी बात बताइए। जाने दीजिए, आपको गुस्सा आ रहा है। एक मिनट मैडम, एक मिनट आप रुकिए। राम प्रसाद मेरी सूरत देखकर बताओ मुझे गुस्सा आ रहा है? हाँ साहब, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा है। आपके माथे से पसीना टपक रहा है। क्या बात कर, आपकी आंखों में खून उतर आया है। आपके नाक के नथुने फूल रहे हैं और आपके मुंह से आग बरस रही है। और आप कह रहे हैं आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। मैनेजर, मैनेजर। यस सर। मेरे चेहरे पर तुझे गुस्सा नजर आ रहा है? आ रहा है। गुस्सा लगाइए, गुस्सा लगाइए। मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। यार अकलू, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, मेरे चेहरे पर तुझे ये गुस्सा नजर आ रहा है? गुस्सा तो है। ये गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो मुझे गुस्सा नहीं आता, बोल 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 बोल। अरे छोड़ दे, वो मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता, जान लो नहीं आता तेरी, बोले मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। चलिए मैडम, जूता उतारिए और अपने सर की शोभा बढ़ाइए।
से शर्त मत लगाना। अरे जीत के इतना इतरा क्यों रही है? एक मौका मुझे भी दे अपना फन दिखाने का। अच्छा चल दिया। ये माचिस की डिब्बी देख रही है, इसे टेबल पे रख के मैं उछालूंगी और सीधा उस आदमी के कप में जाके गिरेगी। उस आदमी के? इम्पॉसिबल। तो लगी शर्त, अगर मैं जीत गई तो जो मैं कहूंगी वो तुम करोगी? डन डन। अब जो मैं बोलूंगी वही तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्या करना होगा? इस रेस्टोरेंट में जो पहला मर्द आएगा उसे तुम्हें जाकर किस करना पड़ेगा। व्हाट? जी। ए, कमॉन यार, मस्ती मजाक तक ठीक है, दिस इज नॉट फेयर। शर्त लगाई है तो पूरी भी करनी पड़ेगी, वरना ये कह देगी ये डरपोक है। शर्त लगाई है तो पूरी करके दिखाऊंगी। चलो अरे की आंख बंद कर चिल्ला रही हुए पागल, बहुत लग रही, पेट भर के खाऊंगा। ओह माय गॉड, अजी सुनते हो जी, ये भगवान मैंने ये खाना नहीं खाना, या चोको खाना मिला घर चलो, मैं तने चोकी की बाटी खिलाती हूं। खाना चोको खाना मिले तो या मुंडो घर से। मौसम है आचिकाना। अरे कहाँ चली, चमक चल लो। खैर कोई बात नहीं, मौसम है क्या क्या। जाइए मधुरानी, आपके वो आ गए। क्या बदतमीजी है? वो मैं शर्त हार गई थी, वो किस उन्हें करना था, लेकिन आप बीच में आ गए, I'm sorry। देखिए मैडम, एक कुंवारी लड़की का जो पहला चुंबन होता है ना, वो होता है उसके महबूब के लिए, जिसे वो प्यार करती है, जिसे अपना दिल दे बैठी है, किसी राह चलते राहगीर के लिए नहीं, समझी? मधु, ए मधु, कहाँ खो गई? लगता है ये तो क्लीन बोल्ड हो गई। दीपा, मुझे मेरे सपनों का राजा मिल गया। देखिए मैडम, एक कुंवारी लड़की का जो पहला चुंबन होता है ना, वो होता है उसके महबूब के लिए, जिसे वो प्यार करती है, जिसे अपना दिल दे बैठी है, किसी राह चलते राहगीर के लिए नहीं, समझी? लेगी, मुझे उसे मोहब्बत हो गई है निशा, और मैं उसे अपना बना कर रहूंगी। इम्पॉसिबल यार, वो तुझे प्यार तो क्या घास तक नहीं डालेगा। लगी हजार रुपए की शर्त? जहाँ दिल लगा हो ना, वहाँ शर्त नहीं लगाई जाती। सीधा सीधा बोल कि तुझ में हिम्मत नहीं है। ये तो तेरी इंसल्ट है मधु, लगा ले शर्त। हाँ हाँ मधु, लगा ले शर्त। ठीक है, लगी शर्त, डन। प्लीज मुझे बताइए, आप कौन सी बात बताना चाहती थी? मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। इस वक्त आप मुझे छोड़ दीजिए, नहीं वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मैं पागलखाने से खास बात कर आया हूँ आपके लिए, प्लीज मुझे आप बताइए, आप कौन सी बात बताना चाहते थे? प्लीज प्लीज, हाय 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 हाय, प्लीज बताइए ना, वो बात कौन सी थी? हुँ?
ये आई थिंक मने बोला वे। अरे तेरे को नहीं, वो चिकना छोकरा को बुलाती है। ए चिकना, तेरे को बुलाती है, जो जो उधर देख। हाय। ये हाय बोलनी? हाय। आपने पहचाना मुझे? मैं वही हूँ जिसके साथ कल वो गया था ना, वो चुम्मा। चुम्मा? मैं आपके पास आ जाऊँ? अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आ ही जाती हूँ। कल आपके शब्दों ने जो मेरे दिल पर जादू किया है, मैं क्या बताऊँ? इधर जाऊँ तो चुम्मा, उधर जाऊँ तो चुम्मा, बैठो तो चुम्मा, उठो तो चुम्मा, बस चुम्मा ही चुम्मा। ओ इतना बड़ा चुम्मा। देखिए लोग सुन रहे हैं। सुन रहे तो क्या हुआ, अगर हम रोमांस की बातें कर रहे हैं तो किसी के बाप का क्या जाता है? ए बाबा चमेरे बाप का कुछ जाता है? नहीं जाता। इनके बाप का कुछ नहीं जाता है। वी कैन कंटिन्यू विद द रोमांस। तुमने कल ठीक ही कहा था, एक कुंवारी लड़की का पहला चुंबन उसके महबूब के लिए होता है, और मैंने अपना महबूब, अपना साजन चुन लिया है। जॉनी मेरा सो डेयरिंग छोकरी से मेरा बाप। हां कर कर। देखिए मैडम, ना मैं आपका साजन हूं ना आप मेरी सजनी, सो प्लीज लीव मी अलोन। कजरा बोलता लीव मी अलोन जॉनी? तो देखिए आप मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझिए, बड़े ऊंचे खानदान की हूँ, इस शहर के सबसे बड़े रईस राणा महेंद्र प्रताप की बहन हूँ मैं, मधु नाम है मेरा। अरे वाह राजा और रानी। हाँ, तुम राजा मैं रानी। For your information, मैं बीकॉम पढ़ चुकी हूँ, 6 ज़बानें जानती हूँ, मेरा कद 5 फुट 6 इंच है और वजन सिर्फ 55 किलो। अब कहिए क्या ख्याल है मेरे बारे में? ए घेलसप्पा बोलने के अच्छा ख्याल है। अच्छा ख्याल। अरे तो मुझे जल्दी थी, मिस को किस करो नी।